की फुल गारंटी, आज ही आज है, कल गाजियाबाद, परसों दिल्ली, फिर मुरादाबाद है। देख लो मेरी बहना, मान लो मेरा कहना, यही है वो दुकान जिसे ढूंढता है सारा हिंदुस्तान। आने वाले को वेलकम और जाने वाले को वेलकम। ये मेले हैं, मिलाते हैं, मिलाकर फिर बुलाते हैं, चलो संकल्प लेते हैं, विरासत को बचाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चौखुटिया जो गेवाड़ वैली है, बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी के जन्म अवसर पर बहुत शानदार मेले का आयोजन किया गया है। दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में यहाँ पर इस मेले का आनंद लेने के लिए लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पवित्र पावन रामगंगा नदी जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर जाती है और हजारों जीव जंतुओं की और मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत घाटी, चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं के खेत, लहलहाते हुए खेत। और आपको दिखाता हूँ मैं कि कहाँ पर ये मेला अब लग रहा है और कितना शानदार यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा है और माँ रामगंगा नदी, बहुत ही पवित्र नदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने अग्नेरी मंदिर है और अग्नेरी मंदिर के प्रांगण में सामने आप देख सकते हैं मेला लगा हुआ है। और जो नदी आप देख रहे हैं ये पवित्र रामगंगा नदी है। और ये जो चौखुटिया आप देखिए, चारों ओर आप देख सकते हैं, ये जो स्थान है बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और कत्यूर राजाओं की ये राजधानी मानी जाती है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं और सामने का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए पूरी चौखुटिया घाटी आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक कटोरी की तरह बहुत ही खूबसूरत स्थान। और बड़ी संख्या में इस मेले में लोग आ जा रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। आप देखिए इस स्थान में आपको यहाँ पर मेले में क्या क्या हो रहा है अभी दिखाता हूँ। ये आप पुल देखिए, इस पुल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और ये पुल भी अपने आप में आकर्षण का यहाँ पर केंद्र बना हुआ है। बहुत खूबसूरत, जिस प्रकार से उत्तरणी मेले में आपने देखा था बागेश्वर में पुलों को सजाया गया था, तो ये भी पुल रामगंगा पर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। लोगों की आवाजाही लगातार इस पुल में बनी हुई है। ये आप सामने देखिए बैलून आपको दिख रहा है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं ये अग्नेरी मंदिर है। माल की फुल गारंटी, आज ही आज है, कल गाजियाबाद, परसों दिल्ली, फिर मुरादाबाद है। देख लो मेरी बहना, मान लो मेरा कहना, यही है वो दुकान जिसे ढूंढता है सारा हिंदुस्तान। आने वाले को वेलकम और जाने वाले को वेलकम। ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नजारा, सामने झूले आप देख सकते हैं और ये अग्नेरी मैया का मंदिर। और सामने आप बैलून देख सकते हैं, इसका भी लुफ्त जो दर्शक आए हुए हैं वो ले रहे हैं। और चौखुटिया की वैली बहुत ही खूबसूरत, धन धान्य से परिपूर्ण मानी जाती है ये धरती और बहुत ही शानदार नज़ारे आपको चारों ओर देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से पूरे दिन भर इस मेले में लोग आते जाते हैं, बहुत दूर दराज से भी लोग आकर के यहाँ पर मेले का आनंद ले रहे हैं। और मेले में चूँकि ये कृषि प्रधान स्थान है, बहुत अच्छी खेती यहाँ पर होती है, तो मेले में भी आप आगे आप देखेंगे पूरा मेला आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कृषि से संबंधित भी सभी उपकरण और अन्य चीज़ें मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं छोटे बच्चे, माताएं, बहनें सभी इस मेले का आनंद लेते हुए। और ये पुल एक मुख्य स्थान है जहाँ से लोग आते जाते हैं और चारों ओर से गाँव से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं और मेले का वो आनंद लेते हुए। और आप देखिए गेहूं की जो खेती है, खेतों में लोग आते हुए दूर से आपको दिख जाते हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये श्री बैराठेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर, देखने लायक, दर्शनीय मंदिर। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उसी प्रकार का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। चारों ओर देखिए ये शानदार दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। बादल हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं है। पूरे लोग जाते हुए दूर दराज से चारों ओर जो रास्ते बने हुए हैं खेतों के बीच में, बहुत ही मनोरम, और लोग आपको आते जाते हुए दिखाई देते हैं। और एक रास्ता जो अग्नेरी मंदिर वाली रोड है उधर से लोग आते हैं, दूसरा ये पुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पुल से भी बड़ी संख्या में लोग इस मेले का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग मेला देख के आ गए हैं, अपना सामान इत्यादि खरीद रहे हैं। और आप देखिए पवित्र रामगंगा जो लाइफ लाइन है इस पूरे क्षेत्र की, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों ओर पर्वत श्रेणियाँ और बीच में ये बैराट घाटी।
और यज्ञवाड़ घाटी बहुत ही खूबसूरत स्थान। अब आप देखिए मेले में आपको इस तरह से जलेबी, पकौड़ी और अन्य कई प्रकार के आपको खाद्य यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत फेमस रहा है इस मेले में। ये अग्नेरी माता का मंदिर है, यहीं से आगे को मेले का स्थान है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर। अग्नेरी मंदिर के बारे में आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं पूरा इसके विस्तार के बारे में। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक ये मंदिर है। और यहाँ पर आप अगर आप डिटेल में अग्नेरी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर अग्नेरी मंदिर का वीडियो डला हुआ है, आप जरूर इस स्थान के बारे में जानें। बहुत ही पवित्र स्थान और बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी प्राचीन स्थान है। यहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष आपको मिल जाता है, वो भी इस स्थान में चार चांद लगा देता है। ये मेला 3-4 दिनों तक चला और हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करी। कृषि से संबंधित सामग्री, विभिन्न विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और मेले में वो सब जो लोग खरीदते हैं, बाहर के यहाँ पर व्यापारी बहुत लोग आए हुए हैं, वो भी अपना व्यापार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से जगह जगह पर ये मेला स्थल से बाहर रोड में भी कुछ लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत संख्या में है, काफ़ी ज़्यादा संख्या के स्टॉल स्ट्रीट फूड के लगे हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर से अंदर एंट्री है, यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, यहीं से अंदर एंट्री है। और एक बहुत बड़ा मैदान है जिसको बहुत ही खूबसूरती से आयोजनकर्ताओं ने बड़ी मेहनत के साथ इसको सजाया है, संवारा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये जो हमारे परंपरागत कृषि यंत्र हैं ये लोग यहाँ पर उनको बेच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कृषि से संबंधित पूरे उपकरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये क्षेत्र जो चौखुटिया घाटी है बहुत ही खूबसूरत भी है, साथ में कृषि प्रधान है, काफ़ी अच्छी कृषि खेती यहाँ पर लोग करते हैं। और लहलहाते हुए खेत आपको हमने दिखाए तो लोग भी कृषि यंत्रों की यहाँ पर बड़ी संख्या में बिक्री देखी जा सकती है। और बड़ी संख्या में कृषि यंत्र, फावड़े, कुदाल, दराती, आग जलाने के चूल्हे, क्योंकि ये जाड़ों का सीजन है तो जो व्यापारी हैं उन्होंने सीजन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कृषि यंत्र लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं गर्मा गर्म जलेबी, मिठाइयों का राजा कह सकते हो जलेबी को यहाँ। तो आप देखिए गर्म गर्म जलेबी छनती हुई। स्ट्रीट फूड बड़ा फेमस रहा इस मेले में। और आप देख सकते हैं चौमिंग, आलू के गुटके, जो हमारी बहुत प्राचीन एक हिसाब से स्ट्रीट फूड रहा है, उत्तराखंड का फेमस है, हर जगह मिल जाते हैं, ये भी बन रहे हैं यहाँ पर। और कपड़े की बिक्री, और विशेष रूप से गर्म कपड़े, क्योंकि जाड़ों का सीजन है तो गर्म कपड़े यहाँ पर खूब बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गन्ने का जो जूस है वो भी काउंटर यहाँ पर बना हुआ है। और साथ में ये आप देखिए कपड़े, जलेबी, मिठाई, अलग अलग प्रकार के व्यंजन को बीजी सब लोग और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए मेले का आनंद उठाते हुए। ये आप देखें कि सभी जगह कृषि यंत्र आपको मिल जाते हैं। और डलिया जो होती है हमारी घास इत्यादि ले जाने के लिए, वो भी यहाँ पर मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं नमकीन आपको देखने को मिल जाएगी, सेल्फ मेड। और इस प्रकार से रजाई, गद्दे के कवर, ये सब जो घरेलू आइटम है लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर इस मेले में आप देख सकते हैं। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर के खरीदारी करते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पर खरीदारी लोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेला शानदार, चौखुटिया का जो मेला चल रहा है, कृषि महोत्सव भी इसको कहा जाता है, कृषि संबंधित काफ़ी सामान मिल जाता है। और साथ में अन्य सभी वो सामान आप देख सकते हैं लोग बाग खरीदारी करते हुए। और इस मेले में जो जो था वो इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मेले के पूरे रंग इस वीडियो में देखने को मिलेंगे।
आप मार्केट देखिए किस प्रकार से हाट लगी हुई है इस मेले में, और बाकी इसके जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उसमें उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक यहाँ पर प्रस्तुति करते हैं, और यहाँ पर उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध गायिका सुनीता ढोंडियाल मैडम कल प्रदर्शन उन्होंने किया, बहुत शानदार उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी। तो उनकी प्रस्तुतियों को देखने के लिए जरूर आप चैनल में जाइए और वहाँ पर उनके गाए हुए जो शानदार गाने थे जिसमें दर्शक झूम उठे थे उनके गानों पर, तो वो पूरे वीडियो तिवारी जी हिल्स चैनल में आपको मिलेंगे। और इस चैनल का जो प्रमुख उद्देश्य है उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की परंपराएं, उत्तराखंड के स्ट्रीट फूड, उत्तराखंड की जैव विविधता, एक एक वीडियो में आपको उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां देने का प्रयास किया जाता है। यहां से आप देखिए कपड़ों की जो स्टॉल लगे हुए हैं, लोग बाग अपने अपने जो भी चीजें वो बेच रहे हैं उनकी जानकारी वो दे रहे हैं, और बड़े उत्साह के साथ व्यापारी भी उत्साह में और जो दर्शक हैं खरीदार हैं वो भी उत्साह में पूरी तन्मयता के साथ मेले का आनंद लेते हुए। ये सामने आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ये मैदान है जो रामगंगा नदी के किनारे पर है, अग्नेरी माता के प्रांगण में है। ये मुख्य गेट है, यहाँ पर बढ़िया बोर्ड सुंदर सा लगाया गया है। ये आप देखिए बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और साथ में मेले का आनंद, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद, और इसके साथ साथ इस मेले में विभिन्न विभागों के द्वारा भी अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारियां उन स्टॉल्स में दी जा रही है। और इसी में से एक स्टॉल था जिसमें श्री शंकर सिंह बिज जी ने अपना एक संग्रह किया है वस्तुओं का, और बहुत ही शानदार वो संग्रह, उसको काफ़ी लोगों ने देखा। आप उस संग्रह को देखने के लिए तिवारी जी हिल्स चैनल को जरूर देखिए। इस प्रकार से आप देखिए चटाइयाँ और बच्चों के पूरे खिलौने, साथ में महिलाएं बहनों से संबंधित सामग्री, और आप देखिए गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा संख्या में आपको इस मेले में देखने को मिल जाते हैं। ये आप चूल्हे देखिए, लकड़ी इनमें जलाई जाती है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में आप इस तरह के आइटम्स को यहाँ पर देख सकते हैं, और बड़ी संख्या में लोग इनको खरीदारी यहाँ पर करते हुए। ये आप देखिए हर प्रकार का स्ट्रीट फूड की यहाँ पर भरमार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के जो खाद्य सामग्री है, लोगों का ताता, बर्तन इत्यादि की दुकानें खूब बड़ी संख्या में, और आप देख सकते हैं बहुत सुदूर क्षेत्रों से भी लोग इस मेले को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की दुकानें अलग अलग स्थानों पर मिलती हैं। बूंदाबांदी है, मौसम सर्दी का है, साथ में बारिश हो रही है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, भले ही बारिश हो। ये शंकर सिंह बिज जी का स्टॉल है जिसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं चैनल में, और आप ये देखिए पूरे ये विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में माताएं बहनें नौजवान युवक सभी यहाँ पर आ रहे हैं। और ये देखिए आप इस प्रकार से गर्म कपड़े, कपड़ों का स्टॉल, और इस तरह से विभिन्न विभागों के स्टॉल हैं। सामने देखिए आप पूरा, ये आप देखिए यहाँ पर जो उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग होता है उन्होंने अपनी एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ी कद्दू लिखा है, ये आप मूली देखिए दूनागिरी की मूली, और करीब 9 किलो की ये मूली है, काफ़ी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है मूली। और यहाँ के ये आप देखिए ये कृषि विभाग द्वारा लगाया हुआ स्टॉल है, यहाँ पर आप देखिए दराती हैं, कुटले हैं, या अन्य कृषि से संबंधित सामग्री आपको इस मेले में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ये मुख्य मंच है, आप देखिए होली गायन चल रहा है, क्योंकि अपनी परंपराओं को ये मेले जीवित करते हैं। हमारी क्या परंपराएं हैं, किस प्रकार के हमारे परंपराओं में लोकगीत गाए जाते हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं, तो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो अतिथिगण आते हैं उनके सम्मान के लिए ये मंच बनाया गया है,
और इसके सामने आप देख सकते हैं ये मुख्य मंच है। इस मुख्य मंच पर जो कलाकार आते हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में और बड़े उत्साह के साथ। ये होली गायन जो हमारी पारंपरिक महिलाओं की बैठकी होली होती है उसको ये यहाँ पर सुनाया जा रहा है। और आप देखिए हुजूम है लोगों का, यहाँ पर तांता लगातार बना हुआ है। ये आप देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, अपने पारंपरिक लोकगीतों का, पारंपरिक जितने भी हमारी विधाएं हैं लोकगीत की, उसके लिए उसको देखने के लिए इतने लोग पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए जो मेले हैं वो हमारी परंपराओं को भी जीवित रखते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, कोई इस गांव से आया कोई उस गांव से आया, सभी आपस में मिलते हैं, रिवाजों को निभाते हैं। ये मेले हैं मिलाते हैं, मिलाकर फिर बुलाते हैं, चलो संकल्प लेते हैं, विरासत को बचाते हैं। ये पंक्तियां याद आती हैं इन मेलों को देख करके। और हमारे उत्तराखंड के जो मेले हैं ये हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को साकार करते हैं और ये परंपरा के संरक्षण का जो एक विधा है उस विधा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये मेले ले जाते हैं ताकि हमारी परंपराएं जीवंत रहें और आने वाली पीढ़ी इन परंपराओं के बारे में जान सके और इसका संरक्षण करे और इन परंपराओं को आगे बढ़ाए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर, और आप ये देखिए सामने मंच में होली गायन, और आप ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों का प्रदर्शन है जो मंच में अपना प्रदर्शन करेंगे, कितना उत्साह है देखिए। जहाँ पर वो मिलते हैं तुरंत हाय बाय टाटा सी यू, इस तरह से आप देखिए बड़ा उत्साह है इन लोगों में। और ये विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वनों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देखिए संगीता ढोंडियाल जी यहाँ पर पहुँची थी, बहुत शानदार इन्होंने प्रस्तुतियाँ दी, तो इनकी प्रस्तुतियों को देखने के लिए आप चैनल को जरूर विजिट कीजिए। और यहाँ पर ये ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर ये लोग सब कलाकार तैयार हो रहे हैं और खूब उत्साह है कलाकारों में, क्योंकि दर्शकों में उत्साह होगा तो कलाकारों का उत्साह फिर दुगुना हो जाता है। तो आप देखिए हमारे पारंपरिक रंगवाई पिछोड़ा, ये आप देखिए बहुत ही उत्साह के साथ बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ इन कलाकारों ने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं, देखने लायक प्रस्तुतियाँ ये कलाकार तैयार होते हुए। ये आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग, बारिश हल्की हल्की बारिश है, बूंदाबांदी है, लेकिन उत्साह में कहीं कमी नहीं। ये आप देखिए छोटी सी बच्ची, कितना सुंदर इसने अपना मेकअप कर रखा है, इनकी भी प्रस्तुति थी। ये आप देखिए इस तरह से चावल है, ये हमारे पहाड़ का चावल है, बागेश्वर से ये मैडम आई हुई हैं, और यहाँ पर सूपा चावल, इस तरह से अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं विभिन्न विभागों के। उनकी कोशिश है कि वो भी उत्तराखंड के परंपरा के, यहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन हैं या पारंपरिक यहाँ के जो वस्तुएं हैं उनको बनाए रखें, ये सब यहाँ पर प्रदर्शन। ये आप देखिए संगीता ढोंडियाल मैडम यहाँ पर अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार। और ये आप देखें यहाँ पर हर जगह से भीड़, सभी स्ट्रीट फूड का तो यहाँ पर सैलाब है। आप देखें रामगंगा नदी यहाँ पर, आप देख सकते हैं नौकायन, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम नैनीताल में खड़े हुए हैं। और क्योंकि रामगंगा नदी बहुत ही खूबसूरत भी है, साफ स्वच्छ भी है, और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत इस नदी में यहाँ पर जल से संबंधित क्रीड़ाएं भी हो रही हैं। और देखिए आप देखिए सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा, इस तरह से आप देख सकते हैं मेले में। और ये मेले में कुछ लाइंस बनी हुई हैं, कुछ हार्ट इस तरह से डिजाइन की गई है कि लोग सभी दुकानों में बराबर जा सकें, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह से हार्ट बहुत खूबसूरत हार्ट लगाई गई है। और जो व्यापारी लोग हैं वो भी बहुत उत्साह के साथ अपने सामग्री को बेच रहे हैं। और हर जगह आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं सब जगह लोग हैं, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग इस मेले का आनंद ले रहे हैं। तो आप देखिए बहुत उत्साह यहाँ पर दर्शकों में भी और व्यापारियों में भी, रंगमंच के कलाकारों में भी और पूरे टीम में। ये देखिए आप इस तरह से हर प्रकार की आपको दुकानें मेले में देखने को मिल जाएंगी। और कोशिश की गई कि आप इस चौखुटिया के इस मेले को आप पूरा देख सकें, एक एक पल एक एक क्षण एक एक जगह आपको मैं दिखा सकूं। इस तरह से मेला बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर आयोजित किया गया है। और ये जो मेले होते हैं ना, कहीं ना कहीं
हम आपस में लोगों को मिलाने का कार्य भी करते हैं। तो कहीं ये जीवन है खुशी गम दोनों मिलकर साथ चलते हैं, ये जीवन है खुशी गम दोनों मिलकर साथ चलते हैं, यही मेले हैं जिनमें आके हम गम भूल जाते हैं, ये मेले हैं मिलाते हैं मिलाकर फिर बुलाते हैं, चलो संकल्प लेते हैं विरासत को बचाते हैं। ये इतनी व्यस्त दुनिया है कि सारे फूल बिखरे हैं, मगर जब मेले आते हैं गुलदस्ता बनाते हैं, ये मेले हैं मिलाते हैं मिलाकर फिर बुलाते हैं, चलो संकल्प लेते हैं विरासत को बचाते हैं। आप देखिए शानदार, यहाँ पर लोग खूब मौज मस्ती करते हुए, खरीदारी करते हुए, उत्साह से सांस्कृतिक कार्यों का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को देख भी रहे हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर नज़ारा, कुछ पंक्तियाँ याद आ जाती हैं, कहीं दमुए नगाड़े हैं कहीं पर झोड़े प्यारे हैं, लो आई गाँव की खुशबू ये मेले ही तो लाते हैं, ये मेले हैं मिलाते हैं मिलाकर फिर बुलाते हैं, चलो संकल्प लेते हैं विरासत को बचाते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद लेते हुए, पर हर प्रकार के बच्चे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो उनके खेलने के लिए साधन बने हुए उनका आनंद लेते हुए, ये आप देखिए इस प्रकार से इन झूलों का आनंद लेते हुए बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, जिसको जहाँ पर ठीक लगता है वो सुंदर माँ अग्नेरी माँ के इस प्रांगण में अपनी आनंद ले रहा हूँ उन चीज़ों का, और साथ में रामगंगा नदी पवित्र नदी यहाँ पर प्रवाहित है, और ये जो नज़ारे हैं गेवाड़ घाटी के ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो मेला है बहुत ही शानदार ये मेला, और बहुत ही अनुशासन के साथ ये मेला चला, बहुत ही सुंदर, यहाँ पर हर प्रकार के लोगों ने भाग लिया, सभी उम्र के लोगों ने भाग लिया, कहीं पर चल रही दादी कहीं पर चल रहे दादा, कहीं पर खेलते बच्चे कहीं खिलती जवानी है, ये मेले हैं मिलाते हैं मिलाकर फिर बुलाते हैं, चलो संकल्प लेते हैं विरासत को बचाते हैं। आपने देखा कि बहुत ही यहाँ पर देखे बारिश भी थी, लोगों की आप संख्या देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मेले में प्रतिभाग किया, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, उसका आनंद लिया। चैनल आपको उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय उत्तराखंड।